नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश में चल रहे निकाय चुनाव में सपा विधायक शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के विधानसभा करहल में सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, रोड शो किया, जनता से वोट की अपील की है। करहल में नगर पंचायत चुनाव में सपा प्रत्याशी पूर्व चेयरमैन अब्दुल नईम के समर्थन में पूर्व मंत्री सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव, पूर्व विधायक अनिल यादव, एमएलसी मुकुल यादव ने नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों से समर्थन देने की अपील की है। इस मौके पर पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि नेताजी की साइकिल है, नेताजी ने साइकिल को दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि साइकिल को जिताएं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग चिल्ला रहे हैं कि राष्ट्र का निर्माण क्या करेंगे, ये लोग एक गाँव का भी विकास नहीं कर सकते। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल नईम को सभी मिल करके, सभी और सभी वर्ग के लोगों से हमारी अपील है, सब लोग मिल करके जिताएं और हम सब लोग मिल करके करहल मैनपुरी का जो भी विकास का काम है, कहीं दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, मिल करके उन परेशानियों को दूर करने का काम करें। झांसी में मंगलवार को क्राफ्ट मेला मैदान में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव को संबोधित करने आए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मंच पर पहुंचते ही रानी लक्ष्मीबाई को नमन करते हुए चुनावी सभा शुरू की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड वीर और वीरांगनाओं की भूमि है। बुंदेलखंड आजादी के बाद जिस आज से बैठा था, लेकिन आजादी के बाद जिसके हाथ में सत्ता थी, उन्होंने कभी धर झांका नहीं। उनके गुर्गों ने विकास के संसाधनों पर डकैती डाली। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं जिन्होंने भाजपा के केंद्र में सरकार बनते ही विकास का विजन दिया और बुंदेलखंड को डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास, भारत डायनामिक्स का बेहतरीन प्लांट दिया है, हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ हो गया है, जहां से बुंदेलखंड औद्योगिक के लिए 6,000 करोड़ की घोषणा की, पैसा आवंटित हो गया है। अब यहां का नौजवान रोजगार के लिए बुंदेलखंड से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि जिन्हें नौकरी करनी है वो बाहर के लोग आएंगे यहां नौकरी करने। उन्होंने कानून व्यवस्था पर कहा कि अपराधी जेल में है, गरीबों के साथ अब कोई अन्याय करने वाला नहीं। उन्होंने मन से कहा कि गरीब को छेड़ेंगे नहीं, अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। उनका कहना है कि भाजपा नहर हर घर हर जल योजना के तहत बुंदेलखंड के सातों जनपदों के घरों में आरओ का पानी पहुंचाया जाएगा। अगले 3 महीने में बुंदेलखंड को हरा भरा बनाकर देश का सर्वश्रेष्ठ बुंदेलखंड बनाकर पेश करेंगे। पार्टी एक सजग और सचेत वीरांगना इस पावन भरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा बुंदेलखंड वीर और वीरांगनाओं की भूमि है और बुंदेलखंड आजादी के बाद जिस आस के साथ एक विश्वास लगाए हुए कि मेरा देश आजाद होगा तो मैं भी विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ूंगा, लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों के हाथों में देश की आजादी के बाद सत्ता आई थी, निकाय चुनाव को लेकर वाराणसी में तैयारियां जोरों पर हैं। कल पोलिंग पार्टियां पुलिस लाइन से सुबह 10 बजे सभी रवाना हो जाएंगी। पोलिंग पार्टियों की रवानगी से पहले तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 100 वार्डों से लगभग 16 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। नगर निकाय चुनाव में 1,325 मतदान केंद्रों पर मतदाता मतदान करेंगे। 145 बूथों को अति संवेदनशील प्लस के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही निकाय चुनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। संवेदनशील बूथों पर ड्रोन कैमरे से नजर भी रखी जाएगी। वाराणसी में 4 तारीख को चुनाव है और उसके लिए बड़े व्यापक पैमाने पर प्रशासनिक स्तर पर और पुलिस के स्तर पर कार्रवाई की गई है। जो वाराणसी नगर निगम है वहाँ पे कुल 100 वार्ड है और 1,325 मतदेय स्थल है। इसी तरह गंगापुर एक क्षेत्र है जहाँ पे कुल 10 वार्ड है और कुल मिला के इस तरह 110 वार्ड
और 1335 बूथ पूरे जनपद में है। 145 बूथों का चिन्हीकरण अति संवेदनशील। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के प्रथम चरण का प्रचार प्रसार अंतिम चरण में पहुंच गया, जहां सारी चुनावी पार्टियां अपने दमखम भरती नजर आई। बात करें अगर श्रावस्ती की तो यहां बीजेपी अपने पाले में दोनों सीटों को लाने के लिए अथक प्रयास करती दिखाई दे रही है। यहां बीजेपी ने बीते दिनों जहां इकौना नगर पंचायत में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कद्दावर नेता ब्रजेश पाठक को मैदान में उतारा, तो वहीं आज भीनगा नगर पालिका में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने और वोट बैंक को मजबूत करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। श्रावस्ती के भीनगा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की जीत के लिए एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी राकेश गुप्ता की जीत के लिए लोगों से उनका वोट भी मांगा है, साथ ही विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। प्रदेश के इतिहास में नगर निकाय के चुनाव में सबसे बड़ी विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। सपा बसपा कांग्रेस का जनता सफाया करना चाहती है। जैसे लोकसभा और विधानसभा से ये लोग गायब हो गए हैं, वैसे ही यह नगर निकाय से भी गायब होंगे। जनता से मैंने अपील किया है कि डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए और 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा। हमारी सरकार का एक ही संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास। सपा बसपा कांग्रेस का संकल्प कुछ का साथ और कुछ का विकास। हरदोई में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में पुलिस ने दो शातिर अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की गई दो ओमनी वैन और अवैध असलाह बरामद किए हैं। दरअसल निकाय चुनाव की चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर चोरी की वैन को पीछे मुड़कर भगाने की फिराक में इन बदमाशों को रोकने के चक्कर में पुलिस की इनसे मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायर करके भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इनके कब्जे से चोरी की गई दो ओमनी वैन और दो अवैध असलाह और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस इनका आपराधिक रिकॉर्ड तलाशने के अलावा इनसे और वाहनों की चोरी की वारदात की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। ये विगत माह थाना कोतवाली शहर से एक ओमनी कार चोरी हुई थी, जिसके संबंध में वादी द्वारा कोतवाली शहर में FIR कराई गई थी। इसी के बारे में पुख्ता सूचना मिली थी कोतवाली पुलिस को कि इसके चोर वाहन समेत निकलने वाले हैं, और पुलिस द्वारा गाड़ाबंदी करके इनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया, जो कि उन्होंने पुलिस बल पर फायरिंग की, लेकिन हिकमत अमली से इनको गिरफ्तार किया गया। ये बबलू और राजा राम दो अभियुक्त हैं यहाँ के रहने वाले, और इनके पास से वो मोबाइल और वो ओमनी भी बरामद हुई जो कि इन्होंने चोरी किया था। कड़ी पूछताछ में इनके द्वारा यहाँ से भी एक ओमनी कार चुराए जाने की पुष्टि की गई, जिसको भी बरामद कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऊंचाहार नगर पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शहनाज बानो ने अपने समर्थकों के साथ KL शर्मा का भव्य स्वागत किया। वहीं जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शहजाद बानो ने बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि विकास और महिलाओं के अधिकार के लिए निरंतर कार्य करती रहेंगी। इससे पूर्व यहां के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी शहनाज बानो के साथ स्वर्गीय मुस्तरी बेगम नगर पंचायत रह चुकी हैं, जिनको यहां की जनता आज भी याद करती है। उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा आज भी क्षेत्र में होती है। कहीं ना कहीं ऊंचाहार की जनता पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय मुस्तरी बेगम के रूप में शहनाज बानो को दिख रही है। साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में आम जनता के बीच जाकर सभी लोगों की दुआएं आशीर्वाद ले रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऊंचाहार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का बिगुल देख विरोधियों के हौसले पस्त हैं। इस बार ऊंचाहार की जनता हर हाल में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर ऊंचाहार नगर पंचायत में कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने का काम यहां की जनता करेगी। माहौल पूरी तरह से बदल गया है और ऊंचाहार विधानसभा की सीट सभी पार्टियों के हाथों से निकलकर कांग्रेस के हाथों में जाती दिख रही है। जिस तरह से आम जनमानस नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी शहनाज बानो के साथ उमड़ रही है, जिस तरह से आम जनता का साथ प्रत्याशी को मिल रहा है, उस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के हाथों में ऊंचाहार नगर पंचायत की सीट दिखाई दे रही है। तो डॉक्टर यहाँ साहब का एक अपना समाज के अंदर एक अपना स्थान है, तो उनको मद्देनजर रखते हुए और साथ में हमारे कार्यकर्ताओं की मर्जी से ही इनको टिकट दिया, तो इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने पहले इनको इस टिकट को दिल से लिया कि भी हमारी बात को हाईकमान ने माना, तो इसलिए हमको वो चीज़ ध्यान देकर नहीं सामना करनी पड़ी कि भीतर घात हो रहा है, तो ऐसा कोई स्थिति यहाँ नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे इसका इलेक्शन का तो एक दिन दो दिन में फैसला होता है,
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद के खुदुरकी विधानसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने लव जिहाद पर बनी केरल नाम की फिल्म के डायरेक्टर और पूरी टीम पर जोरदार भड़ास निकालते हुए कहा कि उन्हें शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए ज्यादातर झूठ का सहारा लेते हैं। इसी बात को लेकर ओवैसी ने कहा कि झूठ बोलकर मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करते हुए खूब लताड़ा है। ओवैसी ने मुस्लिम लीग का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है कि उन महिलाओं के नाम बताओ जो ISIS में गई हैं। ओवैसी ने हमलावर मूड में फिल्म से जुड़े लोगों से पूछा कि सबके नाम बताओ, मुसलमानों को बदनाम करके तुम पिक्चर बनाते हो, अपनी रोटी सेक रहे हो, झूठ क्यों बोलते हो। दरअसल ओवैसी मुरादाबाद के कुंदुरकी में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जनसभा करने पहुंचे थे, जहां पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केरल फिल्म की टीम पर वो हमला बोलते हुए नजर आए। अरे भाई, गोवा में इनकी सरकार है ना, वहां पर एक कानून है कि अगर कोई हिंदू हस्बैंड एंड वाइफ को बच्चा नहीं होता है और उस महिला की उम्र 25 से 30 साल हो जाए तो दूसरी शादी कर सकता है। वहां तो बदलो ना, तुम्हारी सरकार वहां पर है वहां बदलो। नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारी सरकार है जहां पर काउ स्लॉटर एक्ट नहीं है, तो क्यों सिर्फ इस तरह की बात करते हैं, नफरत फैलान। देखिए, संविधान के आर्टिकल 29 के तहत अकलियतों को अपने कल्चर का प्रोटेक्शन का राइट हासिल है। हरदोई के सलडीला कोतवाली इलाके में अधेड़ की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के दो चचेरे भाई को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने इस जमीन की रंजिश को लेकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। ये 30 अप्रैल को संडीला में एक बलौ नामक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिसके सर पर ईंटों से प्रहार किए जाने के निशान मिले थे, ईंटा भी पास में मिला था। इस संबंध में परिजनों द्वारा अपने परिवार के ही दो लोगों को नामजद किया गया था। इसमें पुलिस को सूचना मिली कि ये जो नामजद अभियुक्त है, इनमें से एक कहीं भागने की फिराक में है। संडीला पुलिस द्वारा ये CO संडीला के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक विमलेश जो कि नामजद था, उसके साथ ही साथ एक छोटे ये गिरफ्तार हुए। छोटे ने बताया कि कासगंज में नगर निकाय चुनाव दूसरे चरण में 11 मई को 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत कुल 10 सीटों के लिए होगा मतदान होना है, जिसको लेकर जनपद में सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को उतारकर पूरे दमखम के साथ चुनाव में जुटी हुई है। इसी को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी, अमापुर विधायक हरिओम वर्मा, पूर्व विधायक ममतेश शाक्य के नेतृत्व में भाजपा पार्टी का चुनावी रथ कासगंज जनपद के गंज द्वारा नगर में पहुंचा, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी संजीव महाजन के लिए जीत की अपील की है। पार्टी की बूथ स्तर से, सेक्टर स्तर से पूरी नगर पालिका को जीतने की योजना और इस रथ के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं, जो केंद्र सरकार और यूपी सरकार के द्वारा जो जनहित में योजना हमारी सरकार के द्वारा चल रही है और जो विकास किया है, उसके माध्यम से हम नगर पालिका में संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नगर निकाय पर भी कब्जा होगा। तो कासगंज में नगर निकाय चुनाव दूसरे चरण में होना है, 11 मई को 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत कुल 10 सीटों के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां भाजपा ने कर ली है। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को उतारकर पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी की बात करें तो वो भी अमापुर विधायक हरिओम वर्मा, पूर्व विधायक ममतेश शाक्य के नेतृत्व में भाजपा पार्टी का चुनावी रथ कासगंज जनपद के गंज डुडवारा नगर में पहुंचा, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी संजीव महाजन के लिए जीत की अपील करते हुए वो नजर आए हैं। इटावा में समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को, जिसका इंतजार एक लंबे अरसे था, वो आज दोपहर बाद तब पूरा हो गया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव और समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव एक साथ एक गाड़ी में नजर आए।
इस तस्वीर को एक लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देखने के लिए लाइट बने हुए थे। दोनों समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं को एक साथ देखकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच मनमुटाव चलती थी, जिसके कारण दोनों अरसे से एक साथ एक मंच पर नहीं देखे गए। पिछले 10 अक्टूबर को नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हालांकि मुलायम परिवार एकजुट हो गया है, जिसके बाद मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव बहु डिंपल को जिताने के लिए जी जान से जुट गए। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मुलायम परिवार का जिस एकजुटता का परिचय दिया, उसके नतीजे के तौर पर डिंपल यादव के रिकॉर्ड मतों से जीत हुई। असम में समाजवादी पार्टी के दोनों दिग्गज नेता इटावा नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के उम्मीदवार ज्योति गुप्ता के कार्यालय का उद्घाटन और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए इटावा के मकसूदपुरा में पहुंचे हुए थे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।